नमस्कार दोस्तों, कैपिटल वन स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो बिज़नेस वीक, अभी ऑन गोइंग बिज़नेस वीक है, उसके अंदर हमने आपको बहुत से गेस्ट से मिलवाया जिनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ट्रेडिंग हाउसेज भी हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना काम इस्टेब्लिश कर चुके हैं और अब कुछ ऐसे एवेन्यूज़ को ढूंढ रहे हैं जहां से वो दुनिया के और बड़े कुछ जगहों पर पहुंच सकें। बहुत कम लोग हमारे पास आए जिन्होंने मोदी जी का मेक इन इंडिया का सपना जो है साकार करने की ठानी है। एक ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं जो कि ओनर हैं एक बहुत बड़े और अच्छे वेल नोन ब्रांड के। आपने उस ब्रांड को ज़रूर सुना होगा, वर्ल्ड टेक के नाम से इनके बहुत से कार स्टीरियोज़ और टीवीज़ और इसके अलावा एसीज़ वगैरह भी अब लॉन्च होने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत और प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। और लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इनसे रूबरू कराऊं, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू की जो ख़ास वजह है, इनको इस स्टूडियो में जो बुलाने की ख़ास वजह है, वो ये है कि मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सपना है मोदी जी का, जिसे हम लोगों को सभी को मिलकर साकार करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है शायद इस इंटरव्यू के दौरान आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। तो मिलते हैं जसमीत सिंह जुनेजा जी से जो कि वर्ल्ड टेक के ओनर हैं। जसमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने तो सुना ही है, मेरे पास भी गाड़ियां हैं और आप ही के प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने, इत्तफाक है कि एक गाड़ी में आप ही का प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो सर कुछ और बताएं अपनी कंपनी के बारे में। सो वी लेड द फाउंडेशन स्टोन अबाउट 40 इयर्स बैक। माय फादर एंटर्ड इनटू द स्ट्रेट थ्रू टेप डेक मैकेनिज्म। वी सर्व दिस कंट्री विद lot of products like home DVD players and car stereos, car TFT monitors, car amplifiers, wiring kits. But what gives me the maximum joy is that yahan par bahut complaints thi India mein, like products ki, qualities ki, everybody was very, you know, logon bahut dar lagta tha, hum kya purchase kare, kaise purchase kare, imported hai, द टैग लाइन चाइना से लोग बड़े बड़े घबराते थे। सो वी एंटर्ड इन टू दिस प्रोडक्ट, इन टू दिस लाइन विद द फ्रेम ऑफ कि हम कुछ इस नेशन के साथ ऐसा करेंगे कि लाइक हम कस्टमर को थोड़ा सेटिस्फाई कर सकें। सो हमने जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, वी मेड श्योर कि हमने उस पर एक 1 ईयर का रिस्पेक्टेबल वारंटी पैटर्न के साथ हम चले कि हम एटलीस्ट कस्टमर को 1 ईयर ऑफ रिलीफ दे सकते हैं कि या दिस प्रोडक्ट इज अ सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट। ये बात तो सही है सर। इसमें जब हम लोग शुरू हुए थे, अभी तो खैर बहुत से प्रोडक्ट्स अब और आ चुके हैं, पाइनियर है, सोनी है, ना जाने कितने जो बाहर के प्रोडक्ट्स हम लोग देखते आए थे वो अब इंडिया के अंदर इतने खुलेआम अवेलेबल हैं और बहुत टाइम से हैं। पर जब मेरी जनरेशन के जो बंदे हैं जो कि वो ये सोचा करते थे कि ये प्रोडक्ट हम लें ना लें, इम्पोर्टेड है, पता नहीं इसकी वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आई थिंक उस गैप को आपने कम कर दिया। सर हमारी जो भी थोड़ी सी पब्लिसिटी हो या ज़्यादा पब्लिसिटी हो वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से हुई है। बिकॉज आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु से, यार आपने वर्ल्ड टेक का नाम सुना है? हाँ मैंने वर्ल्ड टेक को कहीं ना कहीं देखा है, राइट देखा है, लेफ्ट देखा है, दे डोंट रियली रिकॉल बट देखा है। एंड देयर मेनी केसेस आई कम अक्रॉस एवरी डे, हाँ मेरी गाड़ी में 2 साल से लगा है, मेरी गाड़ी में ये प्रोडक्ट 5 साल से लगा है। सो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर नोज यार दिस इज वन प्रोडक्ट आई हैव बीन यूजिंग नोइंगली और अननोइंगली, बट ये लगा हुआ प्रोडक्ट है। नहीं सर, मैं तो आपको बताया मेरा अपना एग्जाम्पल है। मैं आज इस इंटरव्यू के दौरान जब आपसे मिल रहा हूँ पहली बार, तो मेरे को आपके कंपनी के बारे में जब बताया गया था, आई वॉज रिकॉलिंग कि कहाँ मैंने सुना हुआ है, तो देखा तो हमारे साथ ही घूमते रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स। सो सर वी हैव ऑलवेज मेंटेन वन पॉलिसी, इट वाज लाइक आई शुड से वेरी स्ट्रिक्ट सर्विस पॉलिसी। हमारे पास कोई बहुत बड़े जापानीज इंजीनियर्स नहीं होते जिन्होंने IIT करी हो या
बीटेक करी हो, हम एक बड़ी सिंपल पॉलिसी में फॉलो करते हैं. व्हाट आई बिलीव इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज माय सेटिस्फैक्शन, राइट. इफ वी गाइस आर अनेबल टू यू नो सर्विस योर प्रोडक्ट विद इन आर लिमिटेड टाइम स्पैन, वी इमीडिएटली गो इन फॉर अ रिप्लेसमेंट वारंटी. उसमें क्या है, अपने कस्टमर को हम यू ऑलवेज वॉन्ट टू फाइंड देम हैप्पी. बट सर आपके तो प्रोडक्ट्स अब पैन इंडिया बिक रहे हैं, कितनी जगहों कितनी सिटीज़ के अंदर आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ से रिप्लेसमेंट वारंटी कैसे गारंटी करते हैं आप? सर वी हैव अ यू नो वी हैव टाइड अप विद अ जायंट सर्विस प्रोवाइडर. अच्छा. सो व्हाट ही डज इज ही प्रैक्टिसेस एन एक्सचेंज प्रोडक्ट वारंटी इन द केसेस ही इज नॉट एबल टू रिपेयर. अदरवाइज टुडे इंडिया हैज सच ब्यूटिफुल कोरियर सर्विसेज, वी सेंड आउट एनी स्पेयर पार्ट टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया. It reaches within a time span of 24 hours. So the product gets repaired easily, right, and immediately. But in the case we cannot, you know, comply with the customer's demands or the service request, we immediately go in for replacement warranty. Right. In this customer, you know, the joy he feels is, you know, something we look forward to. Because I personally believe, jo bhi banda Voltec khareedta hai, any person, wo Voltec isliye khareedta hai, क्योंकि उस बेचारे के पास सोनी या सैमसंग खरीदने के पैसे नहीं होते. बिकॉज आ प्रोडक्ट इज लो प्राइस्ड. वो पैसे कई दिनों से कई महीनों से पैसे वो जोड़ता है वर्ल्टेक खरीदने के लिए, और उसके बाद जब वो पैसे जोड़ता है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है. सो वी फील उम्मीद रहती है उसको, वी फील दैट वी शुड स्टैंड बाय दिस पर्सन. करेक्ट. बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन काउंट्स. आज हमारे पास जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं, हमने हम पूरा एफर्ट करते हैं कि वो हम उसको उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उनको सर्विस में अपने सेटिस्फाई कर दें. हम एक ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करते हैं, एक प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करते हैं. हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट, वी मेक श्योर दैट वी प्रैक्टिस अ पॉलिसी ऑफ 100% QC चेकअप. हमारा जो चाइना में ऑपरेशन है, हमारा हर प्रोडक्ट इज इंडिविजुअली चेक्ड. वी डोंट फॉलो मास टेस्टिंग जैसे आई हैव सीन इन बिग कंपनीज जो 200 प्रोडक्ट्स लगा देती है 3 आवर्स के लिए एंड यू नो दे टेस्टेड सब ठीक चल रहा है. व्हाट वी बिलीव इज सिंगल प्रोडक्ट वी चेक. सर जैसे भी आप बता रहे थे कि आपके जो एक ग्लोबल मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो कि पैन इंडिया आपको सर्विसेज दे रहा है, तो इसमें प्राइस के एस्केलेशंस नहीं हो जाते, प्राइस बढ़ नहीं जाती? जैसे जितने ज़्यादा प्लेयर्स हो जाएंगे उतने ज़्यादा उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी. सो प्राइस डज मेक अ डिफरेंस, बट वी केप्ट अ वेस्टिक पॉलिसी लाइक यार हम सिर्फ फॉर द टाइम बींग वी आर ऑन यू नो मेक इन इंडिया मोड एंड हमने ऑलरेडी अपने मेक इन इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं. सो इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग कंप्लीट यूनिट्स फ्रॉम चाइना, ड्यूटी बैरियर्स आर वेरी हाई. सो इफ यू डू मेक इन इंडिया, ड्यूटी इज कंसिडरेबली वेरी लो, काफ़ी कम लगती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा. बिकॉज द गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर्स नाउ. वैसे सर फ्रैंकली मैं तो यूज़र हूँ वर्ल्टेक के, लेकिन अभी इस इंटरव्यू को बहुत जगहों पर व्यू किया जाएगा और काफ़ी लोग इसको आपके वर्ल्टेक को जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे. तो इसमें आपने कुछ ऐसे फीचर्स डाले होंगे जो कि एस्टैब्लिश ब्रांड से कुछ इसको अलग से हट के दिखाएं. सर As the name suggests, it's Voltec. Yeah. So definitely, हम market को वही देते हैं जो कि 21st century में आपको मिलना चाहिए. अच्छा. Yeah. And as far as LED TV is concerned, which is a USP, we have features like smart TV, Android functions, 3D technologies. ये already हमारे televisions में आ रहे हैं. Okay. But in only in specific models, only for those who are really tech savvy. कस्टमर्स जिनको बहुत शौक है 3D गेम्स खेलने का, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करने का, वाईफाई से कनेक्ट करने का, यूट्यूब मूवीज ब्राउज करने का टेलीविजन पे. वी हैव ऑलरेडी गॉट इनटू दैट लाइन. एंड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाइक IPS पैनल्स, यू वांट द क्लैरिटी, वी आर ऑलरेडी इनटू इट. IPS पैनल्स को कुछ एक्सप्लेन कीजिए सर, मतलब ये क्या है? सो IPS इज बेसिकली यू नो इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वर्जन ऑफ अ टेलीविजन. अच्छा. जिसके अंदर आप यू नो यू रियली गेट द फील ऑफ इट. बड़ी आपको एक वार्म सी फीलिंग आती है टीवी को व्यू करने में. सर गाड़ी हर बंदा चलाता है, बट एक लाइक समथिंग लाइक टोयोटा
when you drive a Toyota, you know you're driving a Toyota. Right. So, same way when you're watching a TV, and if you get, you know, like high definition quality, wherein the original nice colors, to, you know, on the TV. So customer like he really says he's having a good time. And Voltec is all about, you know, making you feel good at home. Right. We generally don't want you to go outside and, you know, watch TV now, you know, somewhere else. Great. So you should be, you know, really be proud of what you're watching at home. And we have, you know, all the sizes. Voltec is the only company, I think, I'm sorry if I'm mistaken, but which has a television from 7 inches up to 65 inches. Oh, wow. Yeah. Achha. So we have 7 inches, we have 9 inches, we have 11 inches, we have 13 inches, we have 15 inches. We have 15 inches LED monitors as well to cater to the IT market. We've just launched, a lot of LED monitors, okay, like 15 inches, 17 inches and 19 inches. Gee. Very similar to, you know, Dell and Zebronics, like that, you know. Achha, okay. Yeah. And now the latest launch which we have done is the 65 inches. And trust me, when you watch a 65 inches, the elephant inside the television, it's a good effect. It brings the picture alive. Yeah, it's a very good effect. So, इसमें ऐसा एक चीज़ आप कुछ बता रहे थे कि अभी ACs के भी कुछ brands आपने अभी launch किए आपने. तो वो क्या कैसे different हैं अभी जो? Sir, AC में होता है what I have generally heard was, you know, window AC, split ACs, cassette ACs. So what I said, यार ये तो एक बार आपने एसी खरीद लिया और लगा दिया, यू नो, अब एक बंद किसी एनी गाय, यू नो, ही फील्स हॉट यार, लाइक फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम. सो इट्स नॉट, यू नो, प्रैक्टिकल कि आप एसी को निकालिए एंड शिफ्ट टू अनदर रूम. सो व्हाट वी लॉन्च्ड वाज, व्हाट वी हैव लॉन्च्ड इज पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स विच हैज फोर ब्यूटिफुल टायर्स एंड दो स्टैंडिंग एसीज कि आप जहाँ भी जाएं अपना एसी साथ ले जाएं, वहीं पे ठंडी हवा खाएं. अच्छा. बेशक गार्डन में, किचन में, रूम टू रूम, ओके, एंड जस्ट कैरी इट अराउंड एंड फील द जॉय ऑफ द कोल्ड एयर. बट मैं अगर इसको एज अ कंज्यूमर समझूं तो एसीज में जैसे पीछे से गर्म हवा काफी निकलती है, तो अब आप एक ही कमरे के अंदर गर्म, एक आगे से ठंडी और पीछे से गर्म हवा. सो दैट इज बिकॉज़ यू नो हमारे एसीज के अंदर एक बड़ी सी बड़ी राउंड सी ब्यूटीफुल सी अराउंड, यू नो, अराउंड 8 इंचेस की पाइप है, पोर्टेबल पाइप विच कैन बी ट्विस्टेड अराउंड एंड दैट पर्टिकुलर पाइप थ्रोस द हॉट एयर आउटसाइड द रूम. ओह अच्छा. थ्रू द डोर. अच्छा. सो यू जस्ट कीप अ डोर लिटिल बिट ओपन, जो आपको थोड़ा सा हैम्पर करना पड़ता है, जस्ट लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज एंड रेस्ट द रूम, यू नो, इट मेंटेन्स अ टेम्परेचर अबाउट 18 टू 20 डिग्रीज. तो किस वेरिएशन में, मतलब? सो द एसी वी जनरली विल, you know, distributed the ACs about, you know, just about 3 months back, and the price lab about 15,000 rupees. Acha. Yeah. Or kitne ton se kitne? It was like about, I think, 0.8 ton. Acha. Yeah. Okay. Yeah. Matlab, or scaled up to? Yeah. The portable AC right now we're just doing, the maximum is 1 ton right now. Okay. But we also now are planning into going to the bigger version because a lot of inquiries and demand is coming in from hotel industry. Because a couple of hotel people have used this product and now they want this portable product for the banquet functions, for conventions, because they don't have much space and any hotel, you know, they cannot, you know, afford to fix up so many ACs. जो भी चीजें लॉन्च करी जा रही हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर, उसको बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि बिजली की खपत जो है वो कम से कम रहे. तो आपके एसीज के अंदर क्या ये चीज आपने ध्यान रखी? सर, वी हैव मेंटेन द टर्बो ट्विन मोटर टेक्नोलॉजी जी, जिसके अंदर एसी ऑलरेडी बहुत कम कंजम्पशन वो करता है एज पर द, यू नो, नॉर्मल एसीज एंड प्लस नाउ वी हैव गॉट इट सर्टिफाइड बाय द स्टार रेटिंग्स. ओके. एंड नाउ द एसीज हैव ऑलरेडी गॉट अ 3-star रेटिंग. अच्छा. या ओके. फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स. सो स्लोली एंड स्टेडली वी वॉन्ट टू make cater to the cooler market, cooler versions now. एक चीज़ मैं अक्सर पूछता होता हूँ अपने इंटरव्यूज के अंदर, ताकि जो लोग इस इंटरव्यू को देखें उसमें से कई काफ़ी लोग यंग जनरेशन के भी हैं और वो उससे काफ़ी हद तक मोटिवेट हों, और ताकि अगर उनके दिल में कहीं आ रहा हो कि अपना बिजनेस शुरू करना है तो उनको एक
गाइडेंस ही मिल सके गेस्ट के जो बातें हो रही हैं उससे. तो मैं इतना तो आप समझ पाया हूँ कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था. जैसे आप बता रहे हैं आपके फादर जो हैं वो बिल्कुल एक मीगर इनकम सोर्स से उठ के फिर अब आपने उनको मतलब काफ़ी हाई स्केल पे आप ले गए इस बिज़नेस को. तो ये पूरी जर्नी जो है सर वो किस तरीके से, जैसे आपने इम्पोर्ट शुरू किए तो कैसे मतलब कंसीव कैसे करते चले गए और कैसे इसको बढ़ाते चले गए? My dad used to, you know, earlier he laid the foundation stone, like I told you earlier about 40 years back. And when my dad went to China, he didn't know even English, and Chinese is bahut dur ki baat hai. Now he also can speak Chinese. So, but my dad had the will, you know, like you have to go there, I have to do something beyond what, you know, jo hona chahiye. So he went there, he got the sampling done. प्रोडक्ट्स हमने थोड़ा सा इंडिया में प्रोडक्ट को लॉन्च किया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला. बट रिस्पांस भी हमें इसलिए मिला बिकॉज वी आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस. ओके. सम पीपल टेक इंडियन कस्टमर फॉर ग्रांटेड. दे से इंडिया में कुछ भी ले लो, कुछ भी ले जाए, कुछ भी बिक जाता है. आई सिंपली से नो, इंडियन कस्टमर इज अ वेरी quality oriented customer, very intelligent customer, very educated customer. Be it of Uttar Pradesh, be it of Delhi, be it of Kerala, or be it even of Bihar, even single customer is a very educated customer. Because aaj ki date mein jo hamare yahan pe education systems hain, they are world class. Everybody knows everything. So what made Worldtech stand in the market was quality. We earned anything, everything or nothing. We never took any, you know, this into consideration. What we took into consideration was, agar hum 20 products layenge, to we have to make sure that these 20 products are market oriented products. So aapne apne father ko kis samay join kiya hai, tab us samay kya state thi? I joined my dad in about 2006. 2006. और उस समय जो आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या थे यहाँ पे? 2006 we were entering, Worldtech entered into India. अच्छा, Worldtech जो नाम रखा आपके फादर ने ही रख दिया था या फिर? Worldtech actually originated from, I have my cousins in Thailand. So their father was one day sitting in Phuket and I think in the garden. So he thought of this name and he immediately thought of, you know, registering this name. Acha. Yeah, without knowing ki, without even knowing that this product, this name will cater to the electronic market or to the gardening market, just registered this name. Worldtech. Okay. This name made some sense to him. And now I get the feeling this name makes a lot of sense to many people now. Very true. I was about to say that. Yeah. It's making sense to a lot of people now. Yeah. So then eventually we got this name registered in Worldtech in India. Okay. And started catering to the market. But the journey has not been very easy because it's a very struggling journey. People don't generally pick up this product very easily because the harsh side is, if this is a Worldtech product, it's an alien product. Like people say, इसका क्या होगा, खराब होगा, चाइना का है, XYZ. But we make sure that whatever we cater to the market, it is 100% defect free and maintains minimum quality standards. So अभी जैसे आपने Worldtech को शुरू में जब लॉन्च किया, जैसे अभी आप बता रहे हो कि काफ़ी डिफिकल्ट रही है जर्नी आपकी, तो उस समय आपको कन्विंस करने में, चलिए मान लेते हैं जैसे प्रॉब्लम आई होगी, डेफिनेटली हर एक नए ब्रांड को एस्टैब्लिश होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, तो अब आज की डेट के अंदर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो Worldtech कहाँ खड़ा दिखता है आपको आज की डेट में? सर, मैंने आई नेवर हैड बिग ड्रीम्स एवरी डे आई वेक अप विद द थॉट दैट Worldtech is one, it's like my child. I want to take this product on a good level.
And I'm in the work, you know, in this process of, you know, doing it. But as far as the quality is concerned, I can assure you that it stands next to any other product, any other running brand. And the visibility is something we're working on every day. Yeah. And नहीं वर्ल्ड टेक तो सर इसमें कोई डाउट नहीं है. हम लोग आज की डेट के अंदर कहीं भी कार स्टीरियोज की शॉप में अगर चले जाते हैं, वर्ल्ड टेक का एक डैंगलर हमें दिख जाएगा. अभी हमारी जो क्रिएटिव टीम है, नॉर्मली गेस्ट को बुलाने से पहले या फिर किसी प्रोडक्ट को बुलाने से पहले हम थोड़ा सा रिसर्च वर्क करते हैं उसके ऊपर. तो इतना मुश्किल नहीं रहा आपके ऊपर रिसर्च करना, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि पीतमपुरा एरिया में, रोहिणी एरिया में, और इसके अलावा साउथ दिल्ली एरिया के अंदर हम लोग डिफेंस कॉलोनी चले जाएं, तो डैंगलर्स जो हैं आपके वर्ल्ड टेक के प्लस आपके प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोगों ने रिव्यू किए, तो प्राइस वाइज काफ़ी चीप लगे, और क्वालिटी में और फीचर्स के अंदर हमारे को उसके अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज दिखी बड़े ब्रांड्स के मुताबिक. सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है अब एक एस्टैब्लिश हो गया है और काफ़ी अच्छी पकड़ लेता जा रहा है. पर जो नंबर्स आपने 2006 में आपने जिस नंबर से शुरू किया था, आज वो नंबर्स कहाँ स्टैंड करते हैं? जैसे मान लीजिए 10 पीस पहले अगर निकलते थे तो आज क्या उसकी स्टेट है? सर अगेन इट्स लाइक यू नो अर्लियर वी वर डूइंग 10 नंबर्स, सो इट्स लाइक नाउ वी आर इनटू 20 नंबर्स. अच्छा. या वी हैव ग्रोन, जस्ट डबल्ड. या वी हैव ग्रोन. ओके. बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वी आर इन अ ग्रोइंग स्टेज. एंड जब ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आ गया, नाउ वी सी अ बिग अपॉर्चुनिटी टू ग्रो बिगर, बिकॉज मिस्टर मोदी हैज लॉन्च दिस एक्सेप्शनली गुड आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया. जी. नाउ वी कैन यू नो वर्क ओपनली हार्डर एंड विद मोर विगर, एंड नाउ वी कैन यू नो डू बिग मार्केट्स नाउ. आई एम श्योर. अभी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अगर हम उसके बारे में अब बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया से जो लोगों को मतलब लोग जो देखें, जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेक इन इंडिया वाली चीज़ हवा में नहीं है, बातों में नहीं है, सिर्फ हकीकत में हो रही है, तो कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्म्स भी चेंज करे हैं इसके लिए कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले हैं, ज़्यादा आसानी से लोग लगा सकें यूनिट्स को. सर मेक इन इंडिया इज़ ऑल अबाउट यू नो वेन आई डिड मेक इन इंडिया क्या होता है. आई बिलीव मेक इन इंडिया में मतलब वी आर गोइंग टू गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू द इंडियन वर्कर्स. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी. हमारा प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट होकर कंप्लीट यूनिट आ रहा था, अब यहाँ पर SKD में आएगा, सेमी नॉकडाउन में. यहाँ पे क्वालिटी जो हमारा फेयर था वो सब ब्रेक खत्म हो गया. हम यहाँ पे क्वालिटी में और ध्यान देंगे. जो मशीनरीज वहाँ पर थी हम सारी मशीनरी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. फ्रॉम ए टू जेड, पिन टू प्लेन, हम सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं. एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम ओनली इम्पोर्टिंग, वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू एक्सपोर्टिंग. हम यहाँ पर इवन विद अ विजन ऑफ अब हम यहाँ से माल एक्सपोर्ट भी करेंगे प्रोडक्ट्स. सो गवर्नमेंट ने पेपर वर्क काफी आसान कर दिया. यस, गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू द मैन्युफैक्चरर्स, नॉट द ट्रेडर्स, द मैन्युफैक्चरर्स हु आर द रियल मैन्युफैक्चरर्स, एंड दैट इज व्हाट वी एक्चुअली आर. हम वही करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू एक्सपोर्ट, वी वॉन्ट टू डू फर्स्ट, वी वॉन्ट टू सर्व आर नेशन इंडिया, देन यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट. राइट. दिस इज माई विजन, बिकॉज माई आइडियल इज ऑफकोर्स सोनी, सैमसंग. दे आर लाइक माई गॉड फादर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट. दे आर, आई फॉलो देम, आई सी देयर डिजाइन, आई सी देयर टेक्नोलॉजीज. आई एम नॉट सोनी, आई एम नॉट सैमसंग, बट आई लुक एट देम लाइक मिस्टर सचिन तेंदुलकर लुक्स एट डॉन ब्रैडमैन. ओके. मिस्टर मोदी माइट बी अ गुड मिस्टर फैन ऑफ मिस्टर ओबामा. Right. Like that. Okay. So I have my godfather Sony, Samsung. Though I have not met them, though I may not be able to meet them. But you know, for a fan, Shah Rukh Khan still exists. Correct. Be it in absolutely. Movies, be it in magazines, be it in interviews. Yeah. Everybody. So इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड टेक जब एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएगा कि वो तेंदुलकर बन जाए तो तब भी डॉन ब्रैडमैन उसके लिए एक लीजेंड ही रहेंगे और उनके गॉडफादर की तरह ही रहेंगे. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे थॉट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को एक तरीके से आप साकार करने जा रहे हैं उसके लिए आपके हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको और इस थॉट के लिए बधाई.
प्लस मैं समराइज़ करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी जसमीत जी ने अपनी सारी चीज़ों को एकदम हमारे सामने रख दिया और बहुत इनोसेंटली ये बोल रहे हैं कि अभी वर्ल्ड टेक को बहुत चीज़ें अचीव करनी है, पर बिलीव यू मी दोस्तों, हम लोगों ने जब सर्वे किया तो इनके प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर एक शॉप के ऊपर देखा है। 5 में से 4 दुकानें जो हैं वो वर्ल्ड टेक प्रोडक्ट्स को आज सेल कर रही हैं। अभी हाल ही के अंदर कुछ मॉल्स के अंदर भी इनके एक्सक्लूसिव शोरूम्स जो हैं इनके शोकेस होने वाले हैं। सो देखते रहिए इस प्रोडक्ट को और इसके बारे में और जानिए और रिसर्च करिए, बिकॉज वर्ल्ड टेक जो है हर घर के अंदर अब मौजूद होने वाला है, मार्क माई वर्ड्स। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि हमारे नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, हमारे ईमेल एड्रेस यहाँ लिखे हुए हैं। जसमीत जी से कोई भी क्वेरी हो, वर्ल्ड टेक के ऊपर कोई क्वेरी हो, आप हमारे थ्रू उन तक पहुँच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा सब्सक्राइब का बटन ठीक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्लीज़ इसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको इस इंटरव्यू से कुछ भी मदद मिली हो या ये अच्छी लगी हो। थैंक यू।